हमको पहचाने ना, हम पी क्यों पी के? अरे बॉलीवुड पार्क पे आए थे, हमारा रिमोट मिल गया, रिमोट हुआ हम अपने अपने गोला में चले जाएगा। तीन शूटिंग चल रहे हैं अभी, हम वहाँ देखने जाते हैं कौन कौन से एक्ट्रेस मिलते हैं, देखते। कल मैंने बर्तन मांजे थे और आज पायल ने फिर से मुझे बर्तन हाथ में थमा दिए, ये गलत बात है। ऐसा तो करना पड़ता है ना, काम तो सबको करना पड़ता है क्योंकि खाना सबको है ना, इसलिए। तो दोस्तों, मुंबई थाने की गलियों को देखिए कितना सुनसान है। सुबह के 9 बज चुके हैं तो कि बहुत लेजीपन है। मुंबई की लाइफ बहुत टफ है, जितने भी लोग सर्वाइव करते हैं आप सभी लोगों को सैल्यूट है भाई। ऐसा होता है क्योंकि यहाँ सूरत के जैसा नहीं होता कि हम यहाँ पे रहते हैं और गाड़ी साइड में पार्क करके, यहाँ से तो 3 किलोमीटर गाड़ी पार्क करने जाने पड़ती है। रेलवे स्टेशन पे गाड़ी पार्क करिए, मुंबई की रियलिटी तो भाई यहाँ पे रहोगे तभी पता चलेगा। हाँ, ये फाइनली गाड़ी हमारी आ गई है। तो फाइनली हम लोग निकल रहे हैं गोरेगांव फिल्म सिटी और यहाँ से 1 से 1.25 घंटे का रास्ता है। क्या लेने जा रहे हो? बिस्किट। हैं? बिस्किट। भूख लग गई? तो दोस्तों, अभी 14 किलोमीटर बाकी है फिल्म सिटी तक पहुंचने में। हम दहीसर पहुंचे, लोकेशन गलत डाल दिया था दहीसर का। तो गर्मी ज्यादा है ना, बाहर निकली ना तो मुझे ऐसा लगा धूप बहुत है, अभी घूमना है तो थोड़ा मगज आपका ठंडा दीजिए। क्योंकि थोड़ी जल्दी रखिए बाकी फाइन वाले आ जाए। दोस्तों, क्या एक मैसेज आया है महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से, ट्रैफिक पुलिस की तरफ से, कि 500 रुपये का जुर्माना आपको लगा है। जैसे कल भी हमने 500 रुपये फाइन भरा था और आज भी सुबह सुबह फाइन भरने का नौबत आ गया है। ऑनलाइन हो गया सब कुछ, तो अभी क्या ऑनलाइन पे करना पड़ेगा मुझे। वैसे कोई गलती नहीं थी हमारी, बट क्या करें जीजे, गुजरात की गाड़ी देखते हैं तो क्या सभी लोग मतलब मैं ऐसे पुलिस वाले तुरंत पकड़ लेते, बट चलिए ठीक है, अभी तो जो ट्रैफिक नियम है उनको भी पालन करना पड़ेगा। तो देखते हैं, कैंडी खाते हैं, दिमाग को ठंडा रखते हैं। कहाँ से हो आप? हम गुजरात से। गुजरात में? हाँ। राजपिपला? ओ वाओ, थैंक यू सो मच, आप रोज देखते हो हमारा वीडियो। हाँ। क्या बात, आप हम अच्छी जगह पे मिले हम सब लोग। थैंक यू, आ जाओ फोटो खींच लो। दोस्तों, 11:30 हो गई है और अभी हमारी टिकट भी बुक हो गई है। गोरेगांव फिल्म सिटी में जब आप आते हो तो आपको ऑनलाइन बुकिंग करने के लिए भी आप यहाँ पे डायरेक्ट घर बैठे भी कर सकते हो, और साथ साथ में यहाँ पे फिजिकली जो आपको करवानी है तो आप 1100 रुपया पर पर्सन है, 5 साल से कम उम्र है तो फ्री में भी हो सकता है। और आपके साथ भी सब कुछ अपडेट में दूंगा क्योंकि आपको भी भविष्य में कभी आना है मुंबई में तो फिल्म सिटी देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए, उनका भी मैं रिव्यू दूंगा क्योंकि जो भी कुछ है वो सच बोलेंगे। क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं सिर्फ दिखाने के लिए या फिर लोगों को भ्रमित करने के लिए अच्छा अच्छा दिखाने के लिए ही बोलते हैं, बट मेरी कोशिश रहेगी जो है मैं सच कहूँगा। तो दोस्तों, फाइनली टिकट के पास हम पहुँच चुके हैं और ये भाई हमारे हर रोज़ वीडियो देखते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भाविक व्यास है। और भाविक भाई जी, और मैं बोबट भाई के ऑलमोस्ट सारे वीडियोस देखता हूँ और बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। और आज वो यहाँ पे आए हुए वो चीज़ का मुझे बहुत ज़्यादा आनंद हो रहा है। अरे कि इतनी वहाँ पे उनको फेस टू फेस मिलने का चांस मिला हमें। जी बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। और लोगों को शायद जो आना है तो कैसे बुकिंग वो कर सकते हैं? सर, हमारी वेबसाइट रहती है और उस पर से आप बुकिंग कर सकते हो, जैसे हमारा bollywoodpark.com है वहाँ पे हमारी वेबसाइट दी गई है, और अब बुक माई शो से भी हमारा बुकिंग होता है, आप वहाँ से भी बुकिंग करा सकते हो और एट अ टाइम काउंटर पे आके भी आप बुक करा सकते हो। जी बिल्कुल। वैसे दोस्तों, टिकट पर पर्सन 1100 रुपीज है, 1099 पर पर्सन 1100 रुपीज़ है। और यहाँ पे आके आपको 3 घंटे का बस का टूर रहता है, अलग अलग लोकेशन पे ले जाते हैं। चले, मेरा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है तो देखते हैं, आपके साथ भी शेयर करते हैं। हमारी बुकिंग टिकट हो चुकी है, अभी हमारी 12:30 बजे की बस है तो उनको ज्वाइन करते हैं और देखते हैं। तो हमारे गाइड हमारे साथ है, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है शफीक रंगरेज, मैं कॉमेडी आर्टिस्ट हूँ, बनारस से हूँ। बनारस से हो तो साथ में कॉमेडी भी करेंगे और लोगों को भी एंटरटेनमेंट करेंगे। भाई, अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे सफ़र किए होंगे, ये थोड़ा हटके होगा, मज़ेदार होगा। क्या बात, ठीक है, चलिए तो मज़ा आएगा टूर में। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। जी, सर मेरी आवाज़ आ रही पीछे तक? आ रही है भाई, मुबारक हो। एक्सक्यूज मी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, मैं हूँ शफीक रंगरेज, आपका गाइड हूँ, गाइड के साथ साथ मैं फुल कॉमेडी आर्टिस्ट हूँ।
मैं अपने गले से दुनिया की हर आवाज निकालता हूँ। मैडम जी, इस समय अगर भारत की आबादी अगर 150 करोड़ है तो करीब 100 करोड़ से ज्यादा लोग मुझे जानते हैं। सीरियसली, या तो मोदी जी को जानते हैं तो हमें जानते हैं, पर तो ये लोग भारत में तीसरा कोई यही नहीं। दिखाऊं कैसे? आपके घर पे बच्चों का कार्टून आता टीवी पर, उसमें जो आवाज होती मेरी होती है। बच्चे तो बच्चे, बड़े भी पसंद करते हैं यही आवाज। भैया, आज इन कॉकरोचों को नहीं छोड़ूंगा, इन्होंने मेरा माथा खराब कर दिया। ओए होगी, मैं भी नहीं छोड़ूंगा। तूने मेरी टीवी तोड़ी है, अब मैं तेरी करूंगा ढाके टेके। कौन सा प्रोग्राम है? यस, मतलब ये भी 100 करोड़ में शामिल है। नहीं, आप सब लोग बाहर से है ना? यस, हम घर से। हम बताना चाहेंगे, आज इस बस में काम करते करते मुझे 90 साल हो चुका है। फालतू वीडियो जिसे आप लोग नहीं देखते, उस वीडियो को डिलीट करके मोबाइल में जगह बना ले आप, और अपने मोबाइल की बैटरी की फिक्र करें आप। क्योंकि जहां जा रहे हैं मैडम जी, वो सामने देख रहे हैं आप लोग, ये फोटो कुछ दिख रही है बॉलीवुड पार्क की। ये एक बहुत बड़े बड़े सेट लगे हुए हैं, जहां पे बड़े ढेर सारे एक एक जगह पे आपने 10-10 फोटो निकाल ली है। ठीक है, तो चलिए ये टूर शुरू हो रही है। सभी लोग खुश रहना, चेहरे पे मुस्कुरा रखना, ऐसे लगना चाहिए जैसे 1100 रुपए लगे टिकट में आपके। तीन शूटिंग चल रहे हैं अभी, हम वहाँ देखने जाते हैं कौन कौन से एक्ट्रेस मिलते हैं, देखते हैं और उसके साथ फोटो खिंचाते हैं। एक व्यक्ति के अंदर एक आर्टिस्ट छुपा हुआ रहता है। हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ बन सकता है। हर एक व्यक्ति के अंदर जो भगवान ने टैलेंट दिया है, बस उसको बाहर निकालिए। आप भी आर्टिस्ट हो। मजा आएगा दोस्तों, अभी बहुत सारे एक्टर दिखेंगे, होलसेल में दिखेंगे। होलसेल में एक्टर्स आपको यहाँ पे दिखेंगे, बट चले कोई बात नहीं, एंजॉय करते हैं, आपको भी दिखाते हैं। दोस्तों ये है वैनिटी वन, जहाँ पे आर्टिस्ट और एक्टर्स लोगों की स्पेशल होती है। कौन सी फिल्म है और शायद फ्यूचर में जो फिल्म रिलीज होगी तो बताएंगे आपको भी। देखिए, आप उनको देखे तो आप उनको हाई करें तो वो बाय करेंगे आपको। मैडम जी, एग्जांपल के तौर पे ये बना हुआ है यूपी का बस अड्डा बना हुआ है, और ये सारी बसें यहीं पे खड़ी रहती हैं। ठीक है, लेडीज 10 रुपए इनाम देंगे। सामने जो बसें खड़ी उसको क्या कहते हैं बताइए? वैनिटी वन। एकदम सही, देंगे थोड़ी ना, देंगे थोड़ी ना, खाली बता रहे। दोस्तों जो आपको ये दिख रहा है फ्रूट की लारी, ये बिल्कुल डुप्लीकेट फ्रूट है जो थर्मोल के बने हुए हैं। ये सब कुछ डुप्लीकेट है, यही होता है फिल्म का सेट जो आपको दिख रहा है। फ्रूट की लारी है, क्या लिखा है? राजा जूस सेंटर, जो भी यहाँ पे फ्रूट के नाम से बिल्कुल खोखला है ये, बस ऐसे ही फिल्म का। यहाँ पे देखिए दोस्तों, फिल्म का शूटिंग चल रहा है और वैसे किसी को पता नहीं मैं शूट कर रहा हूँ। उतनी खुश आप नहीं होंगे जितने खुशी वहाँ मिलेगी। ठीक है, अब बच्चे तो इतने खुश हो जाएंगे वहाँ जाकर जितने नानी के जाके खुश नहीं होते। आइए फटाफट, जाइए तो जाइए तो। मैडम जी, दोस्तों यहाँ पे जो सेट के पीछे आपको दिख रहा है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा का सेट है पूरा, जो उनका दो वीडियो। चलिए कोई बात नहीं, अभी यहाँ पे वीडियो अलाउड नहीं है, बट वहाँ पे अभी पूरा सेट बना हुआ है, दिख नहीं रहा है बाहर से, बट वहाँ के लोग बता रहे हैं कि वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा है। चलो सेट पे जाके डायरेक्ट देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक बात मुझे यूनिक पता चली है, फिल्म सिटी के अंदर मान लीजिए गार्डन जैसा एरिया को आपको रेंट पे लेना है तो एक दिन का रेंट होता है 30 से 40 हज़ार रुपया, जो हमारे गाइड भाई ने बताया। बहुत मेहनत होती है भाई फिल्म सिटी में, मतलब जितने भी आर्टिस्ट को साथ साथ इतनी पे आउट और साथ साथ बहुत मुश्किल होता है। बट चले देख, कोई बात नहीं, हमारे गाइड भाई दिखा रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मूर्ति खड़ी हुई, बताइए कौन है ये? कहाँ पे खड़ी है? सामने दादा साहब फाल्के, एकदम सही। ये जो आप मेरे पीछे प्रतिमा देख रहे हो, ये इंडियन फिल्म, जो हमारे भारतीय सिनेमा का पहला ऐसा प्रतीक जिसने शुरू किया था, पहली भारतीय फिल्म जिसने बनाई थी, जिनका नाम है दादा साहेब फाल्के। और अभी बड़े बड़े जो सिनेमा के जो अवार्ड होते हैं एक्टर्स को जो मिलते हैं दादा साहेब फाल्के अवार्ड, तो इन्हीं के नाम से और इनके जीवन के प्रति जिस तरह से भारतीयों को इस सिनेमा जगत में इतना बड़ा नाम और साथ साथ में बहुत कुछ मिला है, तो इनकी वजह से मिला है, तो उनके लिए एक बार सच में दिल से सैल्यूट है। आगे और भी सेट काफ़ी सारे देखने हैं, चलना बहुत पड़ रहा है, महंगा भी इतना है क्योंकि पानी की बोतल भी लेने जाते हैं तो 50 रुपया ले लेते हैं, तो भाई सब कुछ कैरी करके आए यहाँ पे क्योंकि हमारे पास तो बोतल है, बट देखते आगे। जब छोटी थी ना तब हम साथ साथ जो सीरियल आती थी ना वो, उसमें बहुत देखा है कि यही मंदिर से कोकिला, कोकिला माँ
वो प्रार्थना करने जाती थी गोपी और उसके बेटे के लिए। क्या बात है, हमारे कोकिला जी इधर से मंदिर से एक बार तो गिर गई थी गोपी। गोपी गोपी गिर गई थी। क्या दुख हुआ था उस वक्त मुझे भी। कैसे गिर गए? ये पेड़ देख रहे आप लोग, इस पेड़ ने सलमान शाहरुख से ज्यादा काम किया पिक्चरों में, सीरियलों में। सुहागन औरतें अपने पति की लंबी उम्र के लिए धागे लपेटती है, शूटिंग खत्म धागा नोचीले कौन सा पति हट। और इसी मैदान में पुरानी फिल्मों में गुंडे लोग का डाकू लोग का अड्डा होता है। विलेन बोलता है आज मेरा 50 करोड़ का सोना आ रहा है, अब खुद आते 2000 पर डे के हिसाब से, खाली डायलॉग होता है। और ये वही मंदिर है जहाँ पे शूटिंग होती है, भगवान जाते शूटिंग खत्म भगवान जी का बैकअप, हर तरह के भगवान आते जाते रहते हैं। सर हम इसे बाद में देखेंगे, पहले इधर चलेंगे बागवान के बंगले की तरफ। एक्सक्यूज मी, हेलो। हमारे जो गाइड है ना उनका एक डायलॉग बहुत फेमस है, सभी लोगों को मज़ा आ रहा है, बार बार यही बोल रहे हैं एक्सक्यूज मी हेलो। एक फिल्म आपके घर पे आती कहो ना प्यार है, दोनों लोग सिर्फ से छूट जाते हैं, थाईलैंड के टापू पे जाकर डांस करते हैं ना, वो रहा सामने थाईलैंड। इसे कहते हैं मुंबई का विहार पवई लेक। एक्सक्यूज मी, मुंबई के लोग यही पानी पीते हैं। एक्सक्यूज मी हेलो। कोई मैं बताना चाहूंगा कि कोई मिल गया, फिल्म बनी थी कसौली में, फिल्में अमेरिका लंदन दुबई हिमाचल कुल्लू मनाली में बनती फिल्में, मगर मुंबई बनने के बाद आती है तो इसमें काम होता है। क्या बनता है कुछ बताइए तो। एडिटिंग, फिल्में काटी झाड़ी जाती हैं, इस दौरान वो फिल्में छोटी हो जाती हैं तो वापस से यहीं पे सेटअप लगाते हैं, क्योंकि इतनी दूर वापस तो जा नहीं सकते हैं। ये एरिया और लगा रहे हैं एक्टिंग कर रहे हैं कश्मीर बताकर, और वो जो कोयला होता है लकड़ी वाला उसमें लोबान डालते हैं, धुआं निकलता हो जाता हिल स्टेशन, ठीक है। एक्सक्यूज मी, जो फिल्मों में बर्फ गिरता वो कैसे गिरता बताएंगे? कुछ पेड़ के ऊपर दो बंदे बैठे होते हैं और वो जो नहीं बर्थडे में जो देखा होगा आपने सफेद वाला, वो ऊपर से गिराते हैं, बर्फ गिर रही है, ठीक है। हेलो, अभी हम आपको लेके चल रहे मंदिर पर, आपकी मोबाइल में मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, जैसे ही मौका मिले आप इसे स्टेटस लगाइएगा, आपके जितने जानने वाले होंगे सब बड़े खुश हो जाएंगे। एक्सक्यूज मी हेलो। दूसरी कोई बात नहीं लेकिन वो अंकल हेलो बहुत अच्छा बोल रहे हैं। हेलो हेलो, क्या कह रहे हो सर? नहीं देखिए, ये वही जगह है जहाँ पर आप देखते होंगे कि काफ़ी बेगर्स वगैरह बैठे रहते हैं जब फिल्मों की या सीरियल की शूटिंग होती है, तो मुझे आप गलत फहमी से वो मत समझ लीजिएगा, मैं एक टूरिस्ट। कैसे बैठते हैं बेगर? अंकल के लिए एक बार कमेंट कर दीजिए, ये सही एक्टिंग है कि नहीं है। भगवान आपका भला करे माजी, आपको लंबी उम्र मिले। क्या बात है, बस यही मंदिर में बहुत अच्छे एक्टिंग है सर। थैंक यू वेरी मच। या हम बता रहे सर, हम बता रहे बहुत मजा आया, और अब देखते हैं यहाँ लाइव जो महल जैसा जो होता है वो यहाँ देखने को मिलेगा। देखा था हमका पहचान है ना, हम पीके। अरे बॉलीवुड पार्क पे आए थे, हमारा रिमोटा मिल गया, रिमोटवा हम अपने अपने गोला में चले जाएगा। हाँ बहुत बढ़िया गोला है। हाँ बॉलीवुड पार्क पे आए तो हमारा रिमोटा मिल गया है। हाँ हम तो सोच रहा है अपने गोला में चले जाएगा। हाँ ये भी गोला अच्छा है, हमारे गोला में जाकर हम एडवर्टाइज करेगा बॉलीवुड पार्क का। हाँ ये देखा बहुत मस्त, बहुत मस्त। थैंक यू। अरे काट टुकुर टुकुर देखा था हमका पहचान है ना, पीके हो पीके। हाँ डुप्लीकेट पीके। अरे भैया हम असली पीके हो। हाँ दोस्तों अभी हमारा यहाँ डांस पार्टी होने वाला है, बराबर ना, उनको लाइव परफॉर्मेंस को देखते हैं। बहुत ही अच्छा स्टेज और बिल्कुल गर्मी नहीं है यहाँ पे, वो बड़ी बात है, बाहर बहुत गर्मी थी यहाँ पे ठंडक मिल रही है। इस बॉलीवुड की चमकती धमकती दुनिया में किन किन लोगों का योगदान और मेहनत रही है, तो एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे बॉलीवुड हिस्ट्री के लिए। वेलकम फ्रेंड्स, दिल तक एक गाना मैं गाऊंगा, जो आप भी मेरे साथ गाओ तो बहुत अच्छा लगेगा। म्यूजिक मूड भी देयर जस्ट यू एंड मी, गाओगे? यस ओके। पलकों के लेके साए पास कोई जो आए, लाख संभालो पागल दिल को दिल भर के चाहोगे कभी कभी तो धूप जिंदगी हर पल यहाँ जीवर जियो जो है समा कल हो ना हो। क्या बात, क्या बात।
क्या बात, मेरे लिए तालियां। तो बिल्कुल भी ये है ना, इट्स वन हार्ड मिशन, अगर आपका दिल कर रहा है तो कृपा। बस यही तक नहीं था कि आप हमारे आर्टिस्ट के साथ फोटोज खिंचवा सकते हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपको आपका एग्जिट या अगला सेशन बता दूं। भाई बहुत मेहनत करते हो आप। थैंक यू, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपका सभी लोगों का डांस। थैंक यू सर, वेलकम। तो दोस्तों हमारा एक शो तो हमने कंप्लीट कर दिया है और बहुत ही अच्छा शो था। डांसिंग वगैरह पिक्चर के अंदर जिस तरह से एंटरटेनमेंट किया जाता है, म्यूज़िक के साथ, डांस के साथ, कॉमेडी के साथ, सब कुछ, वो पूरा पैकेज था, बहुत अच्छा लगा। और अभी आप देखिए ये हथकड़ियाँ मेरे हाथों पे पायल ने बांध दी है और पायल बोल रही है कि मत नाचना तुम, हथकड़ियों में साथ बंधे हो तुम। खाने की भी व्यवस्था मिल सकती है, काफ़ी सारे हमारे टूरिस्ट भाई लोग खाना भी खा रहे हैं और सभी तरह के यहाँ पे अंदर ही फैसिलिटीज़ जो आपको इंक्लूडिंग अलग से लेना पड़ेगा। और अभी हमारा 3D 7D शो कंप्लीट हुआ है। चले कोई बात नहीं, अगला शो है हमारा क्रोमा स्टूडियो में, तो वहाँ पे देखते हैं, आपको भी दिखाते हैं। थैंक यू सर। सर जो बड़े बड़े सेट होते हैं खास तौर पे VFX के, उसे ग्रीन कलर का पर्दा लगता है और उसके बाद वहाँ पे एक्टिंग करते हैं लोग, उनके बैकग्राउंड में VFX कहते हैं, विजुअल अफेक्ट इफेक्ट, और विजुअल इफेक्ट की वजह से उनका चित्र अलग तरीके से दिखता है। सब्जेक्ट वहाँ पे खड़ा रहता है और उनका बैकग्राउंड बदल जाता है। तो ये क्रोमा को मुझे लगता है कि 2008 के बाद बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट हुआ है, खासतौर पे बाहुबली आप देखिए, क्रिस की जो सीरीज है, क्रिस 1, क्रिस 2, क्रिस 3, तो सब कुछ क्रोमा शूटिंग पिक्चर है। तो वैसे तो अभी तो काफ़ी सारे लोग बना रहे क्रोमा शूट पिक्चर, बट ये थोड़ी समझने लायक बात है। चलिए देखते किस तरह से शूटिंग होती है। मैडम भी हमारे साथ है, उनको किराए में जाना है बोरीवली, चलते हैं। 1000 रुपये टिकट लगेगा। हमारे पीके भाई किसी को ढूंढ रहे। सर आपका गोला मिला? रिमोट वहाँ मिला आपका? किसी को? हाँ हाँ, जय टाटा, टाटा बाय बाय। हमारा फिल्म सिटी का टूर यहाँ पे ख़त्म होता है और वैसे 3 घंटे लग गए, 3 से 3.5 घंटे अंदर। वैसे फर्स्ट टाइम देखने लायक सब कुछ चीज़ है, बट अंदर का जो यहाँ पे जो लिखा है ना 7D वगैरह, अलग अलग क्रोमा शो, लाइटिंग की इशू की वजह से क्रोमा शो हमारा मिस हो गया है। और बट 7D मतलब 7D शो है, फिर बॉलीवुड शो है, उस बॉलीवुड शो में बहुत अच्छा लगा, बट 7D शो में बहुत कुछ अच्छा नहीं है, मतलब ऐसे ही कोई विजुअल चालू कर दिया था और फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करना चाहिए, ज़्यादा कुछ अच्छा है नहीं। आप आते हो मुंबई, आपके पास जो टाइम है हमारी तरह, तो एक बार फिल्म सिटी की भी विजिट कर लेना। बाकी बहुत अच्छा लगा, कल फिर मिलेंगे एक नए अच्छे छोटे से एपिसोड के साथ। आप अपना ख्याल रखिए, जय हिंद जय भारत। कंटिन्यू बने रहे हमारे ब्लॉग में और हम आपको एंजॉय ऐसे ही करते रहेंगे और साथ रहेंगे, खुश रहेंगे। थैंक यू। चलिए आज के ब्लॉग को यहाँ पे विराम करते हैं, निकलते हम अगली जगह पे। थैंक यू।